क्यों हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है बाबा दादा के घर जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा बनपाल बनमंडल सीधी से। साथियों, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि मरड़िया के पास ठाकुर साहब के यहाँ स्नेक है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलते हैं साथियों, हम लोग इस स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। साथियों, बहुत ही आवश्यक है इन वन प्राणियों को बचाना, जिससे कि अपनी प्रकृति बनी रहे और अपने प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो हम लोग चलते हैं और इस वन प्राणी को, इस सर्प को देखते हैं कौन सा है और उनका हम लोग इसका रेस्क्यू करते हैं। तो बता चंपा देव रात भी अभी हो भाई मत नहीं बता साथियों, ये कार्टून के अंदर है, आप देख सकते हैं, और ये धामन सर्प है। तो हम लोग चलते हैं साथियों, इसका रेस्क्यू करते हैं। साथियों, हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है बाबा दादा के घर कूल है। ये तेज कतना है यार, अरे बहुत बड़ा है। साथियों, हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है। ये दूंगा वीडियो बनवाऊंगा। चलिए गोरम डाल यह कोई विषैला सर्प नहीं है, ये धामन सर्प है और इसको अपने यहाँ पे भाषा में अफड़िया सर्प बोलते हैं, और ये कोई विषैला नहीं है। साथियों, ये अपने घर में चूहे होने के कारण ये घर में आते हैं, और इसमें गर्मियों का मौसम है, इसलिए ये चूहे की खोज में अपने भोजन की तलाश में घर में आ जाते हैं। तो साथियों, इन सांपों को मारना नहीं चाहिए और इसको अधिक से अधिक आपने प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए, जिससे कि अपनी प्रकृति बने रहे। साथियों, इन सर्पों का अपने प्रकृति में सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये सफाई कर्मी होते हैं, अपने प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। और हम लोगों ने इसे धामन का रेस्क्यू कर लिया है, और साथ ही हम लोग इसको सुरक्षित रख कर सुरक्षित अपने जंगल पर रिलीज कर देंगे। साथियों, हम लोगों ने अब इसको पास में अपने रख लिया है और ले जाके जंगल में हम लोग इसको छोड़ देंगे। साथियों, चलते हैं, हम ठाकुर साहब से बात करते हैं जिनके घर पे स्नेक निकला हुआ था। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सर्प को बचाया है। हम रुद्र प्रताप से। जी जी, आप यहाँ कब से था? ये आज सुबह जानकारी हुई। जी जी, वो हमारी बहू, जी जी, देखा उसको। जी जी, उसके बाद से ही जानकारी हुई, उसके पिछले पता नहीं था कि घर के अंदर घुसा हुआ। जी जी, लेकिन जीव जंतु हैं ये सब, किसी न किसी पानी की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, इस वजह से घरों में घुस जाते हैं। और जीवों का संरक्षण करना हम लोगों का दायित्व है, इस वजह से हम लोगों ने आपको सूचना दी और आप आए सर, उसको पकड़ के ले जाके उसका उसकी जान बचाई। तो हम लोगों को सबको जीव जंतुओं का संरक्षण करने का दायित्व होना चाहिए, सभी जीव जंतु बने रहेंगे और प्रकृति भी तभी नियंत्रित रहेगी। जी जी, साथियों, हम लोग चलते हैं और इस स्नेक को हम लोग सुरक्षित अपने जंगल पर रिलीज कर देंगे। अपने जंगल पर आ गए हैं इस धामन सर्प को लेकर, हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का जिन्होंने इस सर्प को बचाया है। साथियों, चलते हैं और इसको हम लोग छोड़ते हैं।
ये धाऊ का। साथियों हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है, अब ये चला जा रहा है। ये साथियों जा रहा है, ये चला गया साथियों। साथियों यह मेरा कार्य आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।